जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रेम करने वाले श्रद्धालुओं आप सभी के परम कल्याण हेतु श्री शंकर जी की कृपा वाणी आप लोगों के लिए उद्घोषित हो रही है। आज कलयुग के कराल कलिकाल में प्रचंड माया पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। व्याप रहे ब्रह्मांड मह माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट कपट दंभ पाखंड। यानी इस प्रचंड माया के तीन सेनापति हैं, लोभ, कामना और क्रोध। इन तीनों के प्रबल प्रभावी योद्धा है कपट, दंभ एवं पाखंड। श्री राम जी की कृपा से इन सेनापतियों, योद्धाओं का पूर्ण अनुभव हुआ और चारों आश्रम का ही त्याग। थिनके की भांति हो गया और ये सभी स्वतः वर्तमान चित्त से धाराशाही हो गए। मित्रों, तत्पश्चात विश्व के परम कल्याण हेतु शोध पत्र के माध्यम से संपूर्ण विश्व को 15 मई 2014 को अवगत कराया गया कि मानसिक दोषों को दूर कर संपूर्ण धरती पर लोग निरोग, शांत और पवित्र जीवन अवश्य जी सकते हैं। शोध पत्र से प्रेरणा प्राप्त करके अमेरिका के नोबेल वैज्ञानिकों ने इस पुनीत कार्य के लिए विनम्र भाव से अनुरोध करते हैं। तब तक
लक्ष्मी का पूर्ण परित्याग हो चुका था, फिर भी पवित्र कर्म हो सकता रहा और विश्व का मुख्य विलक्षण वैज्ञानिक यानी चीफ एडिटर ऑफ अमेरिकन साइंस एंड एजुकेशन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट का पद स्वीकार करके 27 जुलाई 2014 को धरती पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ पदों को धारण करने वाले विश्व धर्म संगठन के अध्यक्ष, अनेक धर्मों को चलाने वाले अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, अनेकों कुपंथों के आश्रमधारी आदि को उनके शोध पत्र जमा करने के लिए अवसर दिया गया, किंतु लोभ एवं कपट से जकड़ा हुआ संपूर्ण धरती से एक भी मनुष्य सन्मुख नहीं हुआ। अतः जनमानस अब सुनिश्चित हो ले कि एक भी ब्रह्म बुद्धि रखने वाला भगवान शंकर जी की तरह सत्य व्रतधारी और भगवान विष्णु की तरह पूर्ण विरक्त इच्छा रहित माया रहित सद्गुरु धरती के समाज में अब नहीं है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ के भक्तों का परम कल्याण यानी जीवात्मा की मुक्ति कैसे हो? चारों आश्रम के बाहर रहने के बावजूद भी आप सभी के परम कल्याण हेतु यह वाणी भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से उद्घोषित हो रहा है। सर्वप्रथम यह जान ले कि भगवान भोलेनाथ यानी सत्य के परम प्रमाण ही तीनों लोकों एवं 14 भुवनों के एकलौते गुरु हैं, जिनकी मानस रचना श्री रामचरित मानस आज पाखंड के उदय हो जाने के कारण लगभग लुप्त हो चुकी है।
समाज में आम जीव को यह बात का अनुभव ही नहीं है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव का पामर जाना। यह माता पार्वती जी की वाणी है कि भोलेनाथ आप ही तीनों लोकों के एकलौते गुरु हैं, दूसरे पशुवत जीव इसको क्या जाने। आज अधर्म में संपूर्ण धरती का जनमानस लिप्त हो चुका है, ऐसे में भगवान भोलेनाथ यानी सत्य के मार्ग पर चलने की इच्छा रखने वाले भगवान भोलेनाथ के सेवकों को जान ले कि जीवात्मा की शक्ति मन बुद्धि एवं इंद्रियों से परे है और वह अनंत ताकत है, अंतरात्मा से अपने मन को आदेश दे कि रे मन अब अभिमान छोड़कर भगवत रूपी श्री गुरु के यानी श्री शंकर जी के चरणारविंदों का भजन कर, जिनकी सेवा करने से आनंद घन भगवान श्री राम जी की प्राप्ति हो जाती है। प्रमाण के लिए श्री राम जी की प्राप्ति का एक ही साधन है, वह है श्री शंकर जी के चरणों में निश्चल प्रेम। प्रमाण के लिए अभिनु छल विश्व नाथ पद ने हूँ, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हूँ, राम भगति कर लक्षण ये हूँ, राम भगति कर लक्षण ये हूँ, राम भगति कर। श्री शंकर जी के चरणों में प्रेम का अर्थ यह है कि उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना। आज भक्ति मार्ग पर चलने के लिए जो प्रारंभ ही होता है कि पृथ्वी के पहले देवता श्री ब्राह्मण के चरणों में प्रेम आज पाखंडियों ने जनमानस में भ्रमित हो करके उन्हीं के प्रति प्रचंड विरोध उत्पन्न करके
अपना स्वांग रचकर जनमानस का धन लूट कर ऐशो आराम की जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह सब मात्र कलयुग का खिलवाड़ है और कुछ नहीं। यहाँ पर मात्र सत्य के मार्ग का अनुसरण करने की इच्छा रखने वाले भगवान भोलेनाथ के सेवकों के लिए ही यह बाड़ी वर्तमान शरीर के माध्यम से उद्घोषित हो रही है। तो मित्रों, कान, मन, बुद्धि और चित्त, इन चारों को स्थिर कर इन वाणियों को ध्यान से सुने, समझें और वास्तव में यदि अपने जीवात्मा की मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अनुभव हो जाने पर इन बाड़ियों के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें। पंद्रह उपाय इसमें आएंगे। जैसे किसी माह का दो पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। सर्वप्रथम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी जो पहला दिन है, उसी प्रकार अपने चित्त में धारण करें कि जो भी भगवत भाव की प्राप्ति में साधन प्रयोग करते हैं उसमें पहला साधन निष्काम प्रेम है। यानी निष्काम प्रेम के बिना श्री राम जी का मिलना बहुत ही दूर की बात है, अर्थात वे मिल ही नहीं सकते। तो सर्वप्रथम निष्काम प्रेम को अपने चित्त में जगह दे। और अपने ही हृदय में उपस्थित श्री राम जी का अनुभव कर पाएंगे। निष्काम प्रेम यानी जो भी स्थूल शरीर से सेवा हो उसमें कोई कामना न हो, कोई ममता मोह माया का जगह न हो,
यह अवस्था प्राप्त करने के लिए अपने चित्त में स्थिर करना होगा कि यह शरीर मात्र सेवक है, जिसके स्वामी श्री राम जी हैं, यानी प्राण ऊर्जा के बिना कोई भी शरीर सक्रिय हो ही नहीं सकता। तो प्राण तत्व परम पिता परमेश्वर श्री राम ही जी हैं, और यह भाव स्थित करने के लिए अहंकार का नाश करना ही होगा। भगवान भोलेनाथ की बाड़ी है कि सेवक सेव्य भाव बिनु भावन तरिय उरगारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। यानी जब तक सेवक और स्वामी का भाव चित्त में स्थिर नहीं होगा, तब तक भव सागर से पार होना संभव ही नहीं है। मित्रों, ऐसा विचार कर अहंकार का त्याग करके शरीर को सेवक और श्री राम जी को स्वामी जाने। अब धीर भाव से यानी अचंचल चित्त से द्वितीया के समान दूसरा साधन यह है कि द्वैत बुद्धि यानी ईश्वर और जीव में भेद बुद्धि छोड़कर समदृष्टि से समस्त पृथ्वी मंडल में निश्चिंत होकर विचरण करना चाहिए। मोह माया और घमंड से रहित हृदय में सदा श्री राम जी निवास करते हैं। यह स्वतः का पूर्ण अनुभव है। मित्रों, मोह का अर्थ है धन, वंश, चेला, नाम एवं पूजा प्रतिष्ठा पाने की कामना। मित्रों, आज अज्ञान के कारण धरती का प्रत्येक प्राणी मोह के वश में हो चुका है। आप लोग स्वतः अनुभव कर लें कि श्रेष्ठ पदों को धारण करने वाले यह पापमय जीव स्वतः का फोटो एवं मूर्ति पूजा तक की कामना रखते हैं। ऐसे निकृष्ट जीवों से यथाशीघ्र अपने मानसिक पटल को मुक्त करें और स्वतः माया, घमंड और मोह से रहित होकर श्री राम जी यानी परम तत्व सच्चिदानंद घन भगवान का सेवक बनकर स्वच्छंद रूप से धरती पर विचरण करें।
तीसरा साधन यह है कि श्री राम जी तीनों गुणों से परे हैं, यानी सत्व रजो एवं तमो। जब ये इसके बाहर है तब आप ऐसा विचार कर त्रिगुणमयी प्रकृति का भी त्याग कर दे। ऐसा किए बिना परमानंद की प्राप्ति दुर्लभ है। जब तक आप इस परिवर्तनशील प्रकृति में स्थित है और इसी को सच्चा मान रहे हैं, तभी तक आप जीव हैं और तभी तक सुख दुख का भोगता है। इस प्रकृति में से निकलकर स्वस्थ यानी परमात्मा रूपी स्वरूप में स्थित होने से ही मोक्ष रूप परमानंद मिलता है। चतुर्थी के समान भगवत प्राप्ति का चौथा साधन यह है कि बुद्धि मन चित और अहंकार इनके समुदाय रूपी अंतःकरण का त्याग कर देना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक अंतःकरण तो रहेगा ही। इसके त्याग का अर्थ यही है कि इसके साथ जो तदात्म्य हो रहा है उसे त्याग कर इसका दृष्टा बन जाए और इसे भगवान के अर्पण करके इसके द्वारा केवल भगवत संबंधी कार्य ही करें। ऐसा करने से निर्मल विवेक का उदय होगा, तब अपने आत्मस्वरूप रूपी उदार आनंद घन परम पद की प्राप्ति होगी। पंचमी के अनुसार पांचवा साधन यह है कि स्पर्श रस शब्द गंध और रूप इन पांचों इंद्रियों के विषयों के कहने में अर्थात इनके अधीन होकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इनके वश में होने से जीव को संसार रूपी अंधेरे गहरे कुएं में गिरना ही पड़ता है। खष्टी के समान छठा उपाय यह है कि श्री भुवनेश्वर महाराज यानी भुवनेश्वरी जी के नाथ, जो कि सभी भुवनों के एकलौता स्वामी हैं, श्री राम जी की प्राप्ति के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य यानी जलन इन छह शत्रुओं को जीत लेना चाहिए। श्री राम जी के कृपा रूपी जल बिना लोभ रूपी अग्नि नहीं बुझती है। भगवत कृपा जीव पर हमेशा ही रहती है, अतः उस कृपा का अनुभव कर इन लोभादि शत्रुओं को मार देना चाहिए। उसके लिए प्रेम भक्ति ही मात्र एक उपाय है जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है।
प्रमाण के लिए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। मित्रों, सप्तमी के समान सातवां साधन यह है कि सात धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र से बने हुए इस अपवित्र क्षण भंगुर परंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर पर विचार करके इस शरीर को मात्र परोपकार में ही लगाएं। परोपकार तभी हो कर सकते हैं जब जीव, नाक, आंख, कान, चमड़ा की वस्तुओं पर आसक्ति नहीं होगी, धन, वंश, चेला, नाम और पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कामना नहीं होगी, तभी परोपकार का कार्य करना संभव है। यह व्यवस्था कृष्ण अवतार के बाद जो भी संत समाज में लोग आए, इनमें से तुलसीदास जी को छोड़कर अन्य किसी के अंदर यह साहस नहीं हो सका। बुद्धा पहला वेद विरोधी शरीरधारी रहा, कबीर दूसरा रहा, परमहंस तो ममता रूपी मल को जलाई नहीं पाया। आज ऐसे अपूर्ण पुरुष के मार्ग का संचालन पूरे धरती पर हो रहा है। यही कारण है कि लोग संपूर्ण जीवन अति दुर्लभ शरीर मात्र चिंता में ही व्यतीत करके छोड़ दे रहे हैं। कलयुग का प्रभाव प्रचंड रूप से व्याप्त है, इसलिए सब कुछ सभी कुपंथों का त्याग कर मात्र प्रेम भक्ति का ही सहारा अंतःकरण को पवित्र कर सकता है और इन वासनाओं से दूर होकर शरीर से परोपकार कर सकते हैं। आठवां साधन अष्टमी के समान यह है कि निर्विकार स्वरूप श्री रामचंद्र जी की अष्टधा जड़ अपरा प्रकृति यानी धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से परे चित्त को ले जाना होगा, क्योंकि श्री राम जी अष्टधा प्रकृति के बाहर है।
इसलिए जब तक हृदय में नाना प्रकार की कामनाएं बनी हुई हैं, तब तक आप लोग स्वतः विचार कर ले कि वे कैसे मिल सकते हैं। धान वंश चेला और नाम की कामना मित्रों, यह बड़ी प्रचंड अग्नि है। जो मनुष्य स्वतः इसके बाहर नहीं है, वह कैसे जनमानस को पवित्र कर सकता है? यह सब विचार करके स्वतः अनुभव कर ले और अष्टांग प्रकृति के बाहर रहकर परोपकार का कार्य करें। यह आठवां साधन है। नौवां साधन यह है नौमी के समान कि नौ दरवाजे की नगरी यानी नौ छेद वाले शरीर में रहकर अपने जीवात्मा का ही कल्याण के बारे में प्रयत्न करें और यह तभी आवागमन के चक्र से मुक्त होगा जब इच्छा का अंत होगा। तो प्रयत्न मात्र इतना ही होना चाहिए कि किस प्रकार से इच्छा का अंत हो। और इसमें कोई ज्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियों का गुलामी छोड़कर मन का मालिक बने और यह चित्त में रखें कि अंतोगत्वा श्री राम नाम ही सत्य है। कोई भी दंभी कपटी पाखंडी जितना भी प्रयत्न कर ले, बिना पवित्र हुए किसी का भी धन वंश चेला नाम और पूजा प्रतिष्ठा अस्थाई हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा विचार करके मन से इन सब के प्राप्त करने की आसक्ति का त्याग कर दें। अब दसवीं के समान जो दसवां साधन है वह यह है कि दसों इंद्रियों का संयम करना चाहिए यानी इंद्रियों को बस में करना चाहिए। यदि इन इंद्रियों को बस में नहीं किए तो जितने भी साधन हैं सभी निष्फल हो जाते हैं। यह इंद्रियां मात्र आपके साधन हैं, आप इनकी गुलामी क्यों करेंगे? इंद्रियों के दास और संयमी मनुष्य को भगवत भाव की प्राप्ति संभव ही नहीं है। इसलिए इंद्रियों की दासता का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के समान ग्यारहवां साधन यह है कि मन को बस में करके भगवत धर्म के अनुसार ही सेवा करना चाहिए। इसी से परमार्थ रूपी एकादशी व्रत का जन्म मरण के नाश रूपी परम फल मिलता है, अर्थात वह जीवात्मा
परमानंद रूपी सागर में मिल जाता है। द्वादशी के दिन दान दिया जाता है, अतः 12वां साधन यह है कि निष्काम बुद्धि से कामना रहित होकर के दान देना चाहिए, जिससे तीनों लोकों से भय न रहे, भगवत प्राप्ति हो जाए और उस द्वादशी रूपी 12वें साधन का पारण यही है कि सदा परोपकार में लगे रहना चाहिए। इस दान और पारण से फिर शोक नहीं व्याप्ता। त्रयोदशी के समान 13वां साधन यह है कि जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, यही तीनों अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं को त्याग कर भगवान का भजन करना चाहिए। भाव यह है कि नित्य निरंतर सोते जागते श्री राम जी का निष्काम भजन करना चाहिए। भगवान मन, वाणी और कर्म से जानने में ही नहीं आते, क्योंकि बर्फ में जल की भांति वे सब में व्याप्त हैं और स्वप्न के दृश्यों की भांति स्वयं ही व्याप्त हो रहे हैं। जो असीम है, यानी जिनकी सीमा नहीं है, अनंत है, उनको तो वही जान सकता है जिसको कृपा पूर्वक वे जनाते हैं और उनकी कृपा का अनुभव नित्य निरंतर होने वाले निष्काम भजन से ही होता है। अतः तीनों अवस्थाओं में भजन ही करना चाहिए। चतुर्दशी के समान गोपाल यानी इंद्रियों के नियंता भगवान चराचर रूप से 14 भुवनों में रम रहे हैं, परंतु जब तक जीव की भेद बुद्धि दूर नहीं होती, तब तक श्री राम जी संसार रूपी जाल को नहीं काटते। जीव को जन्म और मरण से नहीं छुड़ाते। संसार बंधन से छूटना हो तो अभेद बुद्धि से भगवान का भजन करना चाहिए, यानी सबके अंदर परमात्मा ही है, रूप रस गंध स्पर्श और वाणी से भेद बुद्धि को चित्त में जगह न दे। सभी परमात्मा से ही है, जो कि अखंड है, अनंत है, निरंजन यानी माया रहित है। मित्रों, पूर्णमासी यानी चित्त में रखें, होली वाली पूर्णिमा उसी के समान भगवान की प्राप्ति का 15वां साधन, जो सर्वोत्कृष्ट है और पूर्ण है, वह यह है कि प्रेम भक्ति के रस में सराबोर होकर भक्त को श्री राम नाम रूपी रस यानी भगवान का परम रहस्यमय तत्व जानना चाहिए। इसी से वह सर्वत्र समदर्शी, शांत, अहंकार रहित, ज्ञान स्वरूप और सांसारिक विषयों से उदासीन हो सकता है।
मित्रों, इसी रस से ही होली खेले और इस आनंदमयी होली से दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों तापों को स्वतः का अनुभव है। इन तीनों तापों को जलाकर खूब फाग खेलना चाहिए, यही परमानंद की अवस्था है। यदि आप इस परमानंद की इच्छा करते हैं तो इस मार्ग पर चलकर इन्हीं साधनों में लगा लें। वेद, पुराण और विद्वानों का यही एक मत है कि भगवान के लीलाओं का गान ही होली के गीत हैं। अतः निष्काम भाव से खूब हरि कीर्तन करना चाहिए और इन सब साधनों पर विचार करके संसार सागर से तर जाना चाहिए और फिर कभी भूल कर भी यमलोक में ले जाने वाली विषयों की धारा में नहीं पड़ना चाहिए। सारे संदेह के नाश करने वाली, दुखों को दूर करने वाली और सुखों का घर वह है श्री राम भक्ति। चाहे जितने ही उपाय कर लो मित्रों, यह बिना संतों की कृपा के मिल नहीं सकती। अतः संत कृपा ही सर्व साधनों में प्रधान है। संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए संतों के पवित्र चरण ही नौका है। अर्थात किसी विरक्त संत को ही गुरु बनाए और यदि न मिले तो भगवान शंकर जी को ही अपना गुरु मानकर मात्र इन साधनों का सहयोग ले और संसार सागर से मुक्त हो ले। मित्रों, भगवान के भक्ति का यह मार्ग जो वेदों का निचोड़ है, जिसे तुलसीदास जी विनय पत्रिका के 203 नंबर पर यह उपाय भी बताए हैं, आज ऐसे भक्ति मार्ग पर धरती के समाज का एक भी प्राणी नहीं चल पा रहा है कलयुग के प्रभाव से। यह सब पूर्ण अनुभव हो चुका है, यही मुख्य कारण रहा कि वर्तमान शरीर को लेकर चारों आश्रमों से बाहर आ गया। भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से जो भी वाणी जन परम कल्याण के लिए आती है वह जनमानस को प्राप्त हो जाती है। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत बिरति विवेक अते ही न चलही नर मोह बस कल्पही पंथ अनेक। मित्रों, श्रुति माने वेद,
वेद से सम्मत। श्री राम भक्ति के मार्ग पर जो विरक्ति एवं विवेक से संयुक्त है, मोह यानी धन वंश चेला नाम और पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कामना इसके बस में होने के कारण विरक्ति रूपी धन को जुटा पाने में धरती का एक भी व्यक्ति आज संभव नहीं है। यही मुख्य कारण है कि पूरी धरती लोभ काम क्रोध कपट दंभ पाखंड के बस में हो चुकी है। जो भी मनुष्य श्री राम जी की कृपा से प्राप्त मनुष्य शरीर से अपने जीवात्मा की मुक्ति चाहते हो, वे अवश्य इस मार्ग का पालन करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।